गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एच ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फिगर ऑफ स्पीच। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ऑन पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपको पेज नंबर 14 में यह टॉपिक मिलेगा, अप्रिशिएटिंग द पोएम। इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। टुडे वी हैव लर्न टू फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली एंड मेटाफोर। सो वी स्टार्ट। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। इन दिस लाइन द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड यूजिंग एज। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पर पोएट ने अपने खुद को यहाँ बादलों के तरह, बादल के साथ में कंपेयर किया गया है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह घूमता रहा। तो यहाँ पर पोएट ने आई का कंपेरिजन डायरेक्टली क्लाउड के साथ में किया गया है। यह टू डिफरेंट थिंग्स है, आई अलग है, पर्सन है आई मीन्स, और क्लाउड एक अलग चीज़ है। दोनों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, डिसिमिलर थिंग्स का यहाँ पर कंपेयर किया गया है, और वहाँ भी एज का यूज किया गया है। एज लगाकर यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन दिखाया गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली। जब भी आपको टू डिसिमिलर थिंग्स में कंपेरिजन बताया जाएगा और वहाँ पर एज या फिर लाइक का यूज़ होगा, उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स विच आर नॉट सिमिलर यूजिंग लाइक एज। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे कि जिसमें टू डिसिमिलर थिंग्स का कंपेरिजन किया जाता है, और कंपेरिजन करने के लिए हम लाइक और एज दो में से एक ही चीज़ का हम यूज़ करते हैं, या तो लाइक का करेंगे या तो एज का करेंगे। बस आपको ये दोनों भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के। यदि आपको पोएम में लाइक और एज दिखता है, दोनों में से एक दिखता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। नाउ रीड दिस लाइन्स। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड अ होस्ट ऑफ गार्डन डेफोडिल्स। इन दिस लाइन द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स टू अ क्राउड। इन लाइन में पोएट ने डेफोडिल्स का कंपेरिजन क्राउड के साथ में किया है। एंड अ होस्ट विदाउट यूजिंग एज, और वह भी बिना एज और लाइक का यूज किए। सिमिली में क्या होता था, वहाँ पर भी टू डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन होता था, लेकिन एज और लाइक का यूज़ करके मेटाफोर में भी टू डिसिमिलर थिंग का ही यूज़ होता है, कंपैरिजन होता है। दो विभिन्न चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाने का भी काम मेटाफोर से किया जाता है, बट एज और लाइक का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। सिमिली में एज और लाइक का यूज़ करेंगे, मेटाफोर में एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता। वी सी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सिमिली एंड मेटाफोर। वी रीड सम मोर एग्जाम्पल टू क्लियर आवर कंसेप्ट अबाउट सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ही फाउट लाइक अ लॉयन। देखो यहां पर ही कंपेयर्ड विथ अ लॉयन, यहाँ पर जो ही है, ही का कंपैरिजन इस लॉयन के साथ में किया गया है। दोनों भी डिसिमिलर थिंक है। ही ए पर्सन है, कोई भी पर्सन होता है, इसके जगह आप नाम ले लो, राम फाउट लाइक अ लॉयन। तो राम भी पर्सन ही है, ही भी कोई पर्सन है, लेकिन लॉयन ये पर्सन नहीं है, ये अनादर थिंग है, वो एनिमल्स में आता है। तो टू डिसिमिलर थिंग्स में यहाँ पर कंपेयर बता दिया गया है। वह शेर की तरह लड़ा, वह
शेर की तरह लड़ा। हियर ही कंपेयर इज कंपेयर्ड विथ लॉयन। ही रैन लाइक अ टॉर्टाइज। इन सेकंड एग्जाम्पल ही रैन लाइक अ टॉर्टाइज। ही रैन लाइक अ टॉर्टाइज। यहाँ पर लाइक का यूज़ किया है इस एग्जाम्पल में, दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन दिखाने के लिए लाइक का यूज किया है। और टू डिसिमिलर थिंग कौन कौन सी है, ही एंड अ टॉर्टाइज। ये दो चीज, दो यहाँ पर डिसिमिलर थिंग्स है जिसके बीच में कंपेरिजन दिखाने का काम लाइक कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, आर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लॉयंस। हमारे जो सोल्जर्स है वह लॉयन की तरफ ब्रेव है। लॉयन के साथ में इस सोल्जर्स का कंपैरिजन किया गया है। सोल्जर्स आर कंपेयर्ड विद लॉयंस यूजिंग एज। या तो एज का यूज किया जाएगा या तो लाइक का यूज किया जाएगा, दोनों में से एक का ही यूज किया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, द ग्लो ऑफ द ट्यूब लाइट वॉज एज ब्राइट एज द सनशाइन। जो ट्यूबलाइट का ग्लो है, जो ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकलती है, ये पूरा जो द ग्लो ऑफ द ट्यूबलाइट का कंपेरिजन यह सनशाइन के साथ में किया गया है। एज द सनशाइन, जिस तरह सूरज चमकता है उसी के तरह उसकी लाइट, ट्यूबलाइट की लाइट का कंपैरिजन किया गया है। नाउ नेक्स्ट मेटाफोर। मेटाफोर में भी कंपैरिजन का ही काम होता है, टू डिसिमिलर थिंग्स का ही कंपैरिजन किया जाता है। बट हियर वी नॉट यूज ऑफ एज और लाइक। हम यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं करते। Here an implicit comparison is made between two unlike objects without the use of the words like, so or as. Like or as का यूज न करते हुए यहाँ पर दो चीज़ों के, टू dissimilar things में comparison बताया जाता है। Children are the most beautiful flowers in the garden of humanity. Children are the most beautiful flowers. यहाँ पर चिल्ड्रंस का कंपैरिजन, चिल्ड्रन कंपेयर्ड किया गया है, चिल्ड्रंस को यहाँ पर कंपेयर्ड किया गया है फ्लावर के साथ में। हियर चिल्ड्रन आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ फ्लावर्स। लेकिन ये जो कंपैरिजन बताया गया है यह विदाउट एज और लाइक बताया गया है। फर्स्ट एग्जाम हम जब सिमिली के एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें वहाँ पर लाइक का यूज करके दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन बताया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही का कंपैरिजन लॉयन के साथ किया गया है यूजिंग लाइक। लेकिन मेटाफोर में चिल्ड्रन का कंपैरिजन फ्लावर्स, चिल्ड्रन अलग है फ्लावर्स अलग है, बोथ आर डिफरेंट्स, टू डिसिमिलर थिंग्स है। लेकिन उनका कंपैरिजन बताया गया लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है मेटाफोर एंड सिमिली में। टेक मोर एग्जाम्पल टू क्लियर आर कंसेप्ट अबाउट अ मेटाफोर। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल का कंपैरिजन शिप के साथ कर दिया गया है, बिल्कुल जहाज के साथ, शिप मीन्स जहाज। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें एज और लाइक नहीं दिखता, इसलिए यह होगा मेटाफोर। फिफ्थ एग्जाम्पल, ही इज अ शाइनिंग स्टार।
हियर ही इज कंपेयर्ड विथ स्टार, स्टार अलग चीज़ है, ही अलग है, ही पर्सन है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया है टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच में विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सो इन दिस वे वी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आइडेंटिफाई एंड राइट यस फॉर सिमिली एंड एम फॉर मेटाफोर फॉर द फॉर दिस सेंटेंस। यहाँ आइडेंटिफाई करना है हमें, सिमिली के लिए आपको यस लिखना है, मेटाफोर के लिए एम लिखना है, बट आई प्रिफर्ड यू विल राइट अ फुल स्पेलिंग ऑफ सिमिली, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यस ना लिखे, आप पूरी स्पेलिंग लिखिए उसके, सिमिली और मेटाफोर की पूरा। आपको हो सके यस भी लिखा तो भी करेक्ट ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरी स्पेलिंग लिखे, यस आई एम आई एल ई दैट मीन्स सिमिली, एम ई टी ए पी एच ओ आर मेटाफर। टीना हैज अ ब्यूटीफुल पपी, इट इज एज ब्लैक एज कोल। बस हमें यही देखना है कि यहाँ पर टू डिसिमिलर थिंग कौन कौन से हैं। टीना हैज अ ब्यूटीफुल पपी, इट इज एज ब्लैक एज कोल। तो यहाँ पर हम देख रहे टीना के पास में एक बहुत ही अच्छा पप्पी है, लेकिन यहाँ पर आप गलती से भी यह नहीं करना, ये नहीं सोचोगे कि टीना का कंपैरिजन पप्पी के साथ में हुआ है, क्योंकि टीना के पास एक ब्यूटीफुल पप्पी है। इट इज एज ब्लैक एज कोल, ये जो यहाँ पर इट दिया हुआ है, जो यहाँ पर इट जो वर्ड आया हुआ है, यह पप्पी के लिए आया हुआ है, यह जो इट है यह इस पप्पी के लिए आया हुआ है, और इस इट का दैट मीन्स पप्पी का कंपैरिजन इस कोल के साथ में किया गया है। कोल बहुत ही काला होता है, कोयला, तो यहाँ पर एज भी है, दैट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। रचित वॉक्स सो स्लोली, ही इज द टर्टल ऑफ आर ग्रुप। सो का भी यूज किया जाता है, हमने जो मोर इन्फॉर्मेशन देखी थी उसमें यहाँ पर लाइक बुक्स में तो सिर्फ लाइक एंड एज ही दिया हुआ है, लेकिन एक सो का भी यूज होता है सिमिली में। आपको ध्यान में रखना है यह जो सो आया हुआ है, आप नोट में नोट कर लेना कि एज लाइक एंड सो, इन तीन में से कोई भी एक चीज़ सिमिली में आ सकती है कंपैरिजन करने के लिए। नेक्स्ट यह जो सेकंड एग्जाम्पल है थोड़ा कन्फ्यूज करता है, रचित वाक्स सो स्लोली, रचित वाक्स सो स्लोली, क्योंकि बुक्स में जनरली लाइक एज का यूज सिमिली किया जाता है, लेकिन कभी कभी सो का भी यूज आता है, तो वह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। बट यहाँ जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो यह जो सो तो आया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, रचित वाक सो स्लोली, रचित का यहाँ पर कंपैरिजन किसी के साथ में करते हुए नहीं दिखाया गया, रचित वाक सो स्लोली इस सेंटेंस में रचित का कहीं पर भी किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है। लेकिन हम थोड़ा सा इस सेंटेंस को जब आगे पढ़ते हैं, ही इज द टर्टल ऑफ आर ग्रुप,
ही इज द टर्टल ऑफ ग्रुप। अब सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ही दैट मीन्स रचित, यहां पर जो ही है, ये जो ही है यह है रचित। ही इज द टर्टल ऑफ आर ग्रुप। अब ये रचित का कंपैरिजन किया गया है टर्टल से, यहां पर टर्टल के साथ ही का कंपैरिजन किया गया है। अब यह, लेकिन यहां पर हमें इस सेकंड पार्ट में लाइक एज सो ऐसे वर्ड्स नहीं दिखाई देते, दैट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीनू हार्डली कैरीज एनीथिंग विथ हर व्हेन शी ट्रेवल्स, हर बैग्स आर एज लाइट एज अ फीदर। फिर से हमें सेंटेंस, यहाँ पर टू सेंटेंस देखने मिलते हैं, तो टू सेंटेंस रहा तो थोड़ा क्लियरली थोड़ा ध्यान देख के हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा करेक्ट हम बता नहीं सकते। रीनू हार्डली कैरीज एनीथिंग विथ हर व्हेन शी ट्रेवल्स, व्हेन शी ट्रेवल्स, यहाँ पर रीनू का किसी के साथ में भी कंपैरिजन नहीं किया गया है इस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हर बैग्स आर एज लाइट एज फीदर, ये जो हर है यह है हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रीनू वह है, और यहाँ पर अभी कंपैरिजन किया गया है हर बैग्स का, हर बैग्स का जो रीनू है, रीनू का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया गया, हर बैग, रीनू के बैग का कंपैरिजन किसी अदर डिसिमिलर थिंग के साथ में किया गया है, और वह डिसिमिलर थिंग्स है एज लाइट एज फिदर, एज का यूज किया गया है, फिदर के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर फिदर के साथ में किसका कंपैरिजन हो रहा है, हर बैग्स, रीनू के बैग्स का कंपैरिजन, या डायरेक्टली हम बोलेंगे बैग्स का बैग का कंपैरिजन यहाँ पर फिदर के साथ हो रहा है। शी इज अ शाइनिंग स्टार, शी का कंपैरिजन यहाँ पर स्टार के साथ किया जा रहा है, शाइनिंग स्टार के साथ किया जा रहा है, या स्टार के साथ किया जा रहा है, स्टार यहाँ पर, स्टार पे हम फोकस करेंगे, तो ये होगा एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। इसके पहले का जो थर्ड एग्जाम्पल था वो था सिमिली का एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, बीनू इज सच अ काउच पोटैटो, वन कैन नेवर कन्विंस हर टू स्टेप आउटसाइड द हाउस। बीनू इज सच अ पोटैटो, सच अ काउच पोटैटो। अब यहां पर बीनू का डायरेक्टली कंपेयर काउच के साथ, पोटैटो के साथ किया गया है, काउच पोटैटो के साथ यहां पर कंपैरिजन किया गया है, वो भी विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। लास्ट, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर बुक, यू आर एन एंजल। फर्स्ट सेंटेंस में हमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं मिलता, लेकिन सेकंड में हमें दिखाई देता है, यू का कंपैरिजन यहाँ पर एंजल के साथ किया गया है, यू आर एन एंजल विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। सो टुडे वी हैव सीन द इन्फॉर्मेशन अबाउट टू फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली एंड मेटाफोर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।